एक नेशनल ओलंपियाड किया था और ये तीन चरणों में पूरा हुआ है। पहली डेट थी 13th की, जो हमने ऑफलाइन आगरा के लिए किया था। फिर 14 नवंबर को ये नॉर्थ इंडिया के लिए हुआ और 21 नवंबर को साउथ इंडिया के लिए हुआ। तो आज उसकी उसका समापन कार्यक्रम होने जा रहा है, ब्रेनबी नेशनल ओलंपियाड अवार्ड गिविंग सेरेमनी। अतिथि कौन है इसके मुख्य अतिथि? प्रोफेसर एसपी सिंह बाघेल जी हैं। कितने बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया था? इसके अंदर करीब 2000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और कई प्रदेशों से किया है, जैसे उत्तर प्रदेश है, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं। बाकी उत्तरांचल, उत्तराखंड, उड़ीसा, यहाँ विजेता प्रतिभागियों के लिए कोई गिफ्ट के वगैरह है? हाँ जी, आज 3 स्कूल्स ओवरऑल स्कूल चैंपियंस के विजेता रहेंगे। वो हम बता दें अभी। सबसे प्रथम तो बॉम्बे का एक स्कूल है, न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल। सेकंड पोजीशन पे है गायत्री पब्लिक स्कूल, बट बहुत टक्कर है दोनों में, मतलब हमारे लिए तो गायत्री पब्लिक स्कूल आगरा का है तो वो टॉप पे है। और थर्ड है जयश्री पेरीवाल स्कूल जयपुर से। तो इन स्कूलों के बच्चों को सबसे ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं। हाँ, टॉप 10 जो इंडिया के विनर्स हैं उनको आज हम BSA साइकिल्स देंगे, तो उनके लिए आज बहुत ही बड़ा दिन होगा। नेशनल लेवल पे इतना बड़ा अचीवमेंट आई थिंक बच्चों के कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट करेगा और यही हमारा मोटो है ओलंपियाड करने का। कोविड की वजह से हमने इस साल पहली बार ऑफलाइन किया और इसीलिए हम आगरा से बाहर जा पाए कि भाई क्योंकि ऑनलाइन है, सॉरी ऑनलाइन किया, तो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और किसी यू नो पॉजिटिव काम में लगेंगे। यूथ की एक परंपरा रही है कि किसी भी एजुकेशन से संबंधित अगर कोई फंक्शन वो हमारे स्कूल में करना चाहता है तो हम उसको पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ बगैर किसी शुल्क के देते हैं, क्योंकि कई फंक्शंस ऐसे हैं जो हमारे स्कूल में हो सकते हैं, छोटे स्कूलों में नहीं हो सकते। आज ब्रेनबी के द्वारा उनका अवार्ड फंक्शन किया जा रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल इसका एक सहयोगी भी है और हमारे स्कूल में हो रहा है। ब्रेनबी अपने आप में एक बहुत अलग चीज़ है। बच्चों इसे ज्वाइन करके उनके मस्तिष्क का जो डेवलपमेंट होता है, जो मैथ्स के अंदर उनको एक अलग चीज़ तरह से महसूस होता है, बहुत ही अलग चीज़ है। क्योंकि ये कोर्स मेरे स्कूल में पिछले 2 साल से हो रहा है और मुझे मालूम है कि बच्चे इससे कितने खुश हैं और उनकी कितनी इम्प्रूवमेंट हुआ है। आने वाले समय में मैं ब्रेनबी के आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि वो लोग और आगे बढ़ाएं और इस तरह के फंक्शंस के लिए प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल हमेशा खुला हुआ है। आज के सारे विनर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं हो रहा है। ये 3-4 कैटेगरी में हुआ, देश भर के बच्चों ने भाग लिया, जिसमें GK, मैथमेटिक्स, ड्राइंग और ब्रेन मैपिंग की प्रतियोगिता हुई। आज विनर को यहाँ पुरस्कार दिया जा रहा है। मैं अन्य लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार की सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता अगर होती रहेंगी तो बच्चों को बढ़ावा मिलेगा। भर कर जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं। सूरज सब तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सतेज नहीं मुझमें, दीपक सचलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर